वेलकम टू टेक वसीम यूट्यूब चैनल। गाइज, क्या आप भी चाहते हैं अपने वीडियो में क्वालिटी लेके आना? आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी एडिट हो? आप भी चाहते हैं आपका थंबनेल एचडी बने? आप भी चाहते हैं एचडी प्रो थंबनेल बनाना या हाई डेफिनेशन एचडी प्रो थंबनेल आप बनाना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी आए? आप भी चाहते हैं कि मैं आसान तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर पाऊँ? आप भी चाहते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो को एडिट कर सकूँ? तो गाइज, इस वीडियो में कुछ ऐसे एप्लीकेशन बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आपको इन एप्लीकेशन के बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो कंपलसरी आपको इन एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले बात गाइज आपको बता दूं कि पहले नंबर का जो एप्लीकेशन है वह ओपन कैमरा। पहला गाइज, वीडियो शूट करने के लिए ओपन कैमरे का यूज किया जाता है। गाइज, ऑलमोस्ट यूजर ओपन कैमरे से ही वीडियो को शूट करते हैं। आप डिस्प्ले पे ये देख भी लेना, यहां पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया डिस्प्ले पे कि आप ये एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और आपकी वीडियो में बैकग्राउंड या फिर आपका फेस क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी आएगी। और आपको ये बता दूं गाइज, अगर आपके फ़ोन में जो रियल कैमरा है, अगर आप उस कैमरे से वीडियो को शूट करते हैं तो आपकी वीडियो में जो एक्सटर्नल माइक होता है वह अच्छे से आपकी वॉइस कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगा, मेरी यही एडवाइस है कि आप ओपन कैमरे से वीडियो को शूट कीजिए। और मैं भी गाइज ओपन कैमरे से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ और सारी वीडियो मैं ओपन कैमरे से ही शूट करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कैसे इसे यूज़ करना है, तो क्या क्या इसकी सेटिंग करनी है, तो आपको बता दूं कि सिंपली आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना के कि आपको क्या क्या सेटिंग करनी है इसे यूज़ करने के लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन, वीडियो शूट करने के बाद गाइज हमें वीडियो को एडिट करने की जरूरत पड़ती है। अब एडिटिंग टूल गाइज काफ़ी सारे होते हैं, बट आपको यहाँ पे तीन एडिटिंग टूल बताऊंगा। सबसे पहला काइन मास्टर, उसके बाद पावर डायरेक्टर और वीएन। गाइज, ये तीन एप्लीकेशन है, इनसे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से किसी का भी ट्यूटोरियल चाहिए, किसी के बारे में जानकारी चाहिए, गाइज काइन मास्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यानी कि फुल ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है कैसे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, कैसे आप क्लिप ऐड कर सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट आप ऐड कर सकते हैं, या कैसे आप लेयर लगा सकते हैं, बेल एनिमेशन आप कैसे लगा सकते हैं, या फिर आप ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव कर सकते हैं, वीडियो को ब्लर आप कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एनिमेशन आप कैसे लगा सकते हैं, काफ़ी तरीके का इसके अंदर फीचर्स है, बहुत सारे ऑलमोस्ट फीचर है इसके अंदर, सभी मैंने यहाँ पे यूज किया है इस वीडियो के अंदर। जो वीडियो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप जाना फुल ट्यूटोरियल आप वॉच करना। और आपको बता दूं गाइस, दूसरा एप्लीकेशन इसी के साथ साथ है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर कैसे आप यूज़ करना है, आप इसे अगर यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी गाइस ये वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आपको इस पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा है वीएन। गाइस, अगर आप वीएन पे कोई ट्यूटोरियल चाहते हैं कि कैसे वीडियो एडिट करनी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। अब गाइस आते हैं, वीडियो आपने शूट कर लिया, वीडियो आपने एडिट भी कर लिया, अब एक थंबनेल की भी बारी आती है। थंबनेल आप किस एप्लीकेशन से बनाते हैं? सबसे पहले गाइस पिक्सल ऐप, और दूसरा आता है कैनवा। पिक्सल ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट यूजर इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अपने थंबनेल बनाने के लिए। गाइज, मैं भी पिक्सल ऐप से अपने थंबनेल को बनाता हूँ, और मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो भी बना रखी है कि पिक्सल ऐप से आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, एचडी थंबनेल कैसे बनाएंगे, हाई डेफिनेशन एचडी प्रो थंबनेल कैसे बनाएंगे। वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखी है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कैनवा। गाइज, कैनवा एप्लीकेशन से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो भी बना सकते हैं, आप इससे थंबनेल भी बना सकते हैं। थंबनेल गाइज इसमें आपको बहुत कम वर्क करना पड़ता है, ऑटोमेटिक थंबनेल बने होते हैं, बस थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करना होता है, और आप इससे भी अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। बट गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जो थंबनेल बनाता हूं वह मैं सारे पिक्सल ऐप से बनाता हूं। आप मेरा थंबनेल भी चेक कर सकते हैं कितनी क्वालिटी मेरे थंबनेल के अंदर आती है। अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइज, जब आप वीडियो को एडिट कर लेते हैं और आप थंबनेल बनाते हैं, तो थंबनेल में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पीएनजी इमेज ऐड करना पड़ जाता है, तो पीएनजी इमेज आप कैसे बना सकते हैं, ये एप्लीकेशन आप डिस्प्ले पर देख लिए, बैकग्राउंड इरेजर। गाइज, ये एप्लीकेशन है और ये सिंपली आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है, इसका कोई आपको पेड वर्जन नहीं देना पड़ता। आप इसे डाउनलोड करके और कैसे इसे आप फोटो को पीएनजी बना सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है पूरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर चेक कर लेना, पूरा आप विस्तार से समझना और आसानी से आप अपने पीएनजी इमेज बना सकते हैं। गाइज, बात आती है अगर आप कोई वॉइस ओवर करते हैं, अगर आप कोई भी मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको बता दूं गाइज, ये आप एप्लीकेशन देख लिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, ये सिंपली आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, आप इससे अपने वीडियो को यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इसे चला करके अपनी जो भी है, आप कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, किसी पॉइंट को आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं, आप इसे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अब गाइज, ये कुछ एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप अच्छे से विस्तार से समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।